मेरा सवाल यही है ब्रो जी कि खुद अर्जुन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा सकता था उस समय, मे बी इट मन वॉज को, फॉर या गो अपने हेड, मन, सॉरी, नो एंड प्रॉब्लम. देन हाउ कैन वी बीइंग अ कलयुगा हैविंग लॉस्ट टच विद ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड ऑल धार्मिक एक्टिविटीज, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल आवर लस्ट, फॉर गॉड सेक, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर डिजायर्स? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है. सही बात है. मैंने YouTube पे अपने भक्तियों का खराड़ी, भक्तियों का क्लब खराड़ी के चैनल में लस्ट सीरीज के ऊपर कुछ वीडियोस भी दिए हैं, 4 वीडियोस हैं. तो इट्स एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी सीरीज का नाम है. तो दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट लस्ट ओनली. लस्ट की बात की मैंने, मैं बोल सकता था कि इंटरनेट जो है पब्लिकली यूज करो, पॉर्न ब्लॉकर डालिए, पेरेंट कंट्रोल डालिए, दिस आर ऑल जस्ट पैचअप सॉल्यूशंस. लेकिन जब तक अंदर की काम वासना नहीं निकलती, तब तक ऐसी गंदी आदतें बिल्कुल जाएंगी नहीं. इट विल नॉट गो. दैट्स व्हाई आई वेंट टू द रूट्स देयर इन दो सीरीज. 4 जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उधर है. तो मैं क्या बोलना चाहता था कि अर्जुन जैसे प्रबल व्यक्ति जो है वो भी अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता है. ये भगवत गीता में खुद उन्होंने कन्फेस किया है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन आप देखिए कि भगवान कितने दयालु हैं. उन्होंने कहा है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार. तो खासकर इस कलयुग में भगवान जो है वो अपने दिव्य नामों के द्वारा प्रकट हुए हैं. ही इज अपीयर्ड द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसको हरे कृष्ण महामंत्र, इसको मंत्र को सुना है आपने पहले? यस, दिस इज कॉल्ड एज महामंत्र. और मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र मनस्त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो हमारे मन को कंट्रोल कर सके, जो हमारे मन को वश में कर सके, उसको कहते हैं मंत्र. हमारा मन कैसे सांप की तरह है, पॉइजनस है. सांप पॉइजनस होता है, अनकंट्रोल होता है, इधर उधर भागता है, ऐसे 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 चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, सांप की तरह है. लेकिन सांप को आपको पता है, दैट पर्टिकुलर वो व्यक्ति आता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हिज नेम, सो ही जस्ट ब्लोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, वो नाद बजा के वो सांप जो है ऐसे ऐसे करके कंट्रोल हो जाता है. तो उसी प्रकार जो है हमारे मन को भी हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस मंत्र, मनस्त्रायते इति मंत्र. दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक टू कंट्रोल योर माइंड, स्पेशली कलयुग में मंत्र टेक्निक ओनली वर्क्स, नथिंग एल्स वर्क्स. यस, ऑल अदर टेक्निक्स आर, द टेक्नोलॉजी इज लॉक्ड इन एज ऑफ कलयुग. दिस इज ओनली टेक्नोलॉजी विच इज अनलॉक्ड. भगवान ने खुद अनलॉक किया है हम सबको, और ही हैज टोल्ड जस्ट टेक बेनिफिट. इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जो हूँ मैं जप यज्ञ हूँ, जप करने का यज्ञ. So you can easily control your mind through the chanting of the holy names of God. ये कीजिए. Motivation meditation series में भी मैं यही बताता हूँ. ये बहुत आसान टेक्निक, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने और आसानी से बहुत सारे माइंड की जो हाइपर एक्टिविटी है, इवन लस्ट गेट कंट्रोल. मैंने एक स्टूडेंट को पूछा था, ही वाज जस्ट अबाउट 6 months कनेक्टेड टू आर क्लासेस, 6 महीने से क्लासेस कर रहा था. आई जस्ट कैजुअली, मतलब अचानक से पूछा, जैसे कि मैं भी आपको बोलता हूँ कि भाई आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस मत करो, मुझे स्पॉन्टेनियसली दे दो आप, है ना. यू एवरी टाइम कम सर, थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले, वो तो सेटिंग हो जाएगी, मैच फिक्सिंग की तरह हो जाएगी. आई लाइक टू बी स्पॉन्टेनियस. तो उसी प्रकार मैंने भी जाके उसको सडनली पूछ लिया कि आपको बेनिफिट क्या मिला इन सब क्लासेस से, चैंटिंग से क्या बेनिफिट किया. तो उन्होंने कहा कि चैंटिंग करने से मेरा जो है 6 अनर्थ जो होते हैं, लस्ट प्राइड ग्रीड एनवी इल्यूजन एंड एंगर, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ऐसे 6 षड रिपु बोलते हैं, इन पे मुझे कंट्रोल मिल गया है. तो इट्स पॉसिबल फॉर इवन सच ए यंगस्टर, दिस पर्सन वाज जस्ट प्रैक्टिस फॉर 6 months, उनको भी इसका अनुभव होगा. हृदय रोग आशु अपहनोति अचिरेन धीरः, जरूर ये हृदय रोग जो है, काम रूप है का हृदय रोग जो है, वो बिल्कुल उसको एक कंट्रोल आप सब अवश्य पा सकते हैं इस चैंटिंग से. इट विल हैपन, बट यू हैव टू डू इट सिंसियरली, मतलब रोज नियमित रूप से करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि जैसे कि आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके मसल्स, बाइसेप्स, एब्स वो सब बिल्ड होंगे, राइट. पीपल वांट स्क्वायर चेस्ट, उन लोगों को बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब 8 पैक 6 पैक्स चाहिए. पर एक दिन गलती, मतलब आप अगर रेगुलेटेड नहीं रहेंगे, नियमित रूप से रोज नहीं करेंगे, तो नहीं होगा डेवलपमेंट. रोज करना पड़ेगा एक्सरसाइज. उसी प्रकार जो है चैंटिंग जो है मन का एक्सरसाइज है, जो धीरे धीरे आके मन को अपने वश में करने का एक्सरसाइज है. और ये एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, यू शुड डू इट एवरी डे, देन ओनली इट वर्क्स. अगर आप जरा ब्रेक लेते हो तो फिर नहीं होता, फिर तो पोस्टपोन करके प्रोक्रास्टिनेट करके वो खराब हो जाता है. सो डू दिस एवरी डे, इट्स पॉसिबल. देन दैट्स व्हाई कृष्णा लेटर ऑन सेज, भक्ति योगा से आप माइंड को क्या कंट्रोल, क्या माइंड को एब्जॉर्ब कर सकते हो किसी भी चीज में.
तो लेटर ऑन आप 12वें अध्याय में देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की बात करते हैं, क्योंकि 6ठे अध्याय में वो ध्यान योग की बात करते हैं। ध्यान योग इज नॉट वेरी इजी, तो अर्जुन रिजेक्ट्स ध्यान योग, लेकिन भक्ति योग को अर्जुन स्वीकारते हैं। भक्ति योग से माइंड जो है वो बहुत ही अच्छे से वश में आ जाता है। मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धिम निविशय निविशस्य से मई एव अथ ऊर्ध्वं न संशय, यानी कि आराम से मन जो है वो पूरी तरह अपने किसी भी चीज में हम लगा सकते हैं। यू कैन डू दैट थ्रू भक्ति योग, एंड भक्ति योग प्रैक्टिकली इज द चैंटिंग, वो चैंटिंग ही है, भगवान का जप ही है। ओके ओके।